स्वागत है आपका। मैं पवन केजरीवाल, फाउंडर ऑफ वर्सु अप्रेल्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल यही है कि हम अपने बच्चों को उनके मोबाइल से कैसे दूर करें। ये लॉकडाउन के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे कहीं बिजी हुए तो मोबाइल के अंदर में, अब हम उनका ध्यान कैसे हटाएं वहाँ से। बच्चे पढ़ाई तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सारा का सारा काम वो फ़ोन के अंदर में ही, सारा दिन वीडियो गेम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा का सारा दिन। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, अच्छा कंटेंट कम कंज्यूम कर रहे हैं, बुरा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। उनका पढ़ाई के ऊपर में मन कम लग रहा है, इधर उधर की बातों के ऊपर में मन ज़्यादा लग रहा है। आप इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे वहाँ से हटाएं, कैसे उनके ध्यान को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या उनका काम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये बताने वाले होते हैं उनके मम्मी और पापा। अब आते हैं मम्मी और पापा के ऊपर में, क्या मम्मी और पापा सही काम कर रहे हैं, क्या मम्मी और पापा भी सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, पापा रात को आते हैं क्या अपने फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं, मम्मी सारा दिन क्या टीवी में बिजी रहती है। अगर आप भी मोबाइल टीवी के अंदर में बिजी रहोगे तो ये गारंटी है कि आपका बच्चा भी वैसा ही होगा। फिर आपका बच्चा आपका बात नहीं सुनने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा आपकी क्यों सुने, आपका बच्चा आपको ये बात बोलने लायक है कि मम्मी पापा अगर आप मेरे को रोक रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को रोको। बच्चे बुरी बातें फटाफट कैच करते हैं और अच्छी बातों को उन्हें समझने में टाइम लगता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को दूर कैसे करें अपने मोबाइल से, आप अपने बच्चों को कैसे बिजी करें जो प्रोडक्टिव बन सके। ज़्यादातर मम्मी पापा कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा बच्चा का अच्छा नंबर नहीं आता, अपने बच्चों को डांट रहे हैं। बच्चों को डांटने से कुछ नहीं होगा मैम, बच्चों को डांटने से कुछ नहीं होगा सर, आप पहले अपने आप को डांट। क्या आप वो नंबर लाने के लिए जो काम करना चाहिए क्या वो आप कर रहे हो? खाली आप नंबर पर ध्यान दे रहे हो, मेरा बेटा 99% से पास हो जाए, लेकिन वो 99% लाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पर आप ध्यान दे रहे हो? क्या आप अपने बच्चे को उतना समय दे रहे हो? उसके बाद में भी अगर उसका नंबर नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो कैसे रोकेंगे आप अपने बच्चों को, कुछ दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, आप अपने बच्चों के सामने खुद स्ट्रिक्ट हो जाओ, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मेरे को अपने बच्चों के सामने मोबाइल नहीं यूज़ करना, मेरे को खुद को गलत कंटेंट नहीं देखना, अच्छा कंटेंट देखना। और मैं एक बात तो ये चीज़ जानता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सही वे पे हो, क्योंकि डांस और गाना तो यहाँ हो नहीं रहा। मैं आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रोथ की बात करता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास में गाना है ना मेरे पास में डांस है। आप ग्रो कैसे करेंगे मैं सिर्फ वही बातें बताता हूँ, यानी आप ग्रो करना चाहते हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं आपको यही चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जगह में बिज़ी करो जहाँ उसका माइंड ग्रोथ करे, जहाँ उसका दिमाग डेवलप कर सके। कोई क्रिएटिविटी करवा सकते हो आप, उसे कोई के अंदर में डाल सकते हो आप, उसे कोई डांस के अंदर में डाल सकते हो। बिज़ी करो अपने बच्चों को, आपका बच्चा फ्री है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक व्यापारी था, अपने स्टाफ को लेकर के बहुत परेशान रहता था, इतना स्टाफ आए इतना स्टाफ जाए लेकिन उसका काम ख़त्म ही ना कर पाए। भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान कोई ऐसे बंदे मेरे को दे दो कि जो मेरा सारा का सारा काम कर दे। भगवान ने बोला तथास्तु। वो तथास्तु बोलते ही एक बंदा उनके पास में आ गया, वो बोला आपने मुझे बुलाया मेरे आका? बोला हाँ मैंने भगवान को बोला था। तो भगवान ने तुम्हें भेजा? बोला हाँ। तो बोला बताइए क्या काम? तो बोला काम शुरू होने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे को काम नहीं दिए तो मैं आपके सर पर डंडा ही डंडा मारूँगा। तो उसने बोला ठीक है मंजूर है। तो उसने यही चीज़ सोच करके मंजूर कर दिया कि भैया काम तो इतना है ये कब तक निपटा लेगा। लेकिन जैसे ही उसको काम बोला गया 5 मिनट के अंदर में सारा का सारा काम ख़त्म, 100-200 आदमी का काम ख़त्म 5 मिनट के अंदर में। अब वो क्या करे? अब वो डंडा निकाले उसके सर पर मारे। फिर से उसको काम बोला गया,
फिर वो क्या करे, काम खत्म, फिर से डंडा निकाला, फिर उसके सर पे मारने लगा। तो कौन है वो भगवान का भेजा हुआ दूत? वो भगवान का भेजा हुआ दूत आपके बच्चों का चंचल मन है। आपको उसे काम देते रहना पड़ेगा। जहां आप उसे फ्री करोगे वो मोबाइल पर लग जाएगा। आप भी चाहते हैं कि आपका भी बच्चा सही वे पे चले, तो उसे सही जगह पर इंगेज करिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप उसे डांस, ड्राइंग, ऐसा भी नहीं कि चला कि आपने डांस में भी डाल दिया, ड्राइंग में भी डाल दिया, कराटे में भी डाल दिया, फुटबॉल में भी डाल दिया, क्रिकेट में भी डाल दिया, सारे में नहीं डालना। जिसमें बच्चे का मन हो, जो बच्चा अच्छे से कर सके, और जो भी करे, सपोज आपने सिंगिंग में डाला तो वो सिंगिंग जबरदस्त फिर करे। एक अच्छा इंस्टीट्यूट देख करके, एक अच्छा टीचर देख करके आप उसे वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं तो वो जबरदस्त वहाँ पे कर सके, टॉप कर सके। आप उसका ऐसा माइंडसेट डेवलप करिए, आप उसे ऐसा राह दिखाइए कि तुम सबसे बेस्ट हो। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कोई भी बच्चा नंबर कम लेकर गया, उसके माँ बाप उसे डांटने लग जाते हैं। ये नहीं पूछते कि क्यों नंबर कम आया, प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ। अगर प्रॉब्लम हुआ भी है तो उसे सॉर्ट आउट नहीं करते, उसे चार दोस्तों के सामने उसे बेइज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। सर ये बहुत गलत है। आप अगर बच्चों को बेइज्जत करोगे ना किसी के सामने, तो बच्चा आपसे बातों को छुपाने लगेगा, आपसे कोई भी बात को शेयर नहीं करेगा। कोई भी लाइफ के अंदर में अच्छा या बुरा पल चलता रहेगा तो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि ये आज मेरे संग में अच्छा हुआ कि ये मेरे संग में बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसको खाली डांटोगे, आप उसे खाली मारोगे, आप उसकी बातों को समझना नहीं चाहते। वो भी बच्चा है, उसका और आपका माइंड ग्रोथ सेम नहीं है, तो इसीलिए उसकी बातों को आपको समझना पड़ेगा। और अगर वो गलत है तो उसको प्यार से आपको समझाना पड़ेगा। अपने फैसले मत थोपिए बच्चों के ऊपर में, बच्चे की भी सुनिए। क्योंकि आप अगर बच्चे की नहीं सुनते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, मेरा कोई सुनता नहीं है। ज़्यादातर बच्चे घर में चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, क्यों उनकी बातें कोई सुनता नहीं है। ज़्यादातर आप घर में देखते होंगे बच्चे चिड़चिड़े, बच्चे को ये चाहिए तो चाहिए ही, क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि बच्चे के कोई सुनता नहीं है। बच्चा बोलता है कि भैया मेरे को फुटबॉल चाहिए तो चाहिए, क्यों ऐसा चाहिए? उसको सही वे बताइए कि बेटा ये तुम्हारे लिए सही है कि गलत है। अगर वो बोले सही है, जिद करे, ला के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपको पता है कि वो दो दिन के बाद में टूट जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता है। उसकी भी तो खुशी मायने रखती है। क्या आपका ही जिद मायने रखता है? उसके भी खुशी में आपको अपना खुशी ढूंढना चाहिए। हर जिद पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हर एक जगह में ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जा सकता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। अपने बच्चों को ठीक से हैंडल करिए, आने वाला भविष्य है आपका बच्चा। जो राह आप अपने बच्चों को दिखाएंगे वही राह पर चलेंगे। जैसा आप करना चाहते हैं अपने बच्चों के संग में वही आपके बच्चे करेंगे। आप अगर सही वे पकड़ाएंगे तो बच्चा सही राह पर चलेगा। आप अगर अपने बच्चों को अभी से, अगर वो 15-16 साल का है, अगर आप अपने बच्चों को ग्रो करना देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अभी से ही एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर देखता हूँ सारे के सारे बच्चों का एक ही माइंडसेट है, पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, कोई बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करता। मैं आपको सही बात बताऊँ, एक दूध वाला जो है ना, एक दूध वाला रास्ते में पानी पूरी वाला नौकरी करने वाले से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि नौकरी करने वाला क्रेडिट कार्ड में डूबा हुआ है, लोन में डूबा हुआ है, लेकिन एक दूध वाला, पानी पूरी वाला, कोई लोन नहीं है उसे, उसके ऊपर में जितना वो कमा रहा है उससे वो कम कमा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा सेविंग करके रखा हुआ है। आप अपने बच्चों को ऐसा मत माइंडसेट करवाइए कि तुम्हें नौकरी करनी है। सब कोई एक ही माइंडसेट है, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा लॉयर बन जाओ, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। क्यों? बेटा बिजनेसमैन बन जाओ, ऐसा आप लोग क्यों नहीं बताते हैं? बेटा बिजनेस करके
तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो अपने देश के अंदर में, अपने देश को आगे बढ़ाने के अंदर में तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 100-200-500 स्टाफ का तुम घर चला सकते हो। तुम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करो कि जिससे कि कुछ फैमिली तुम्हारे वजह से चल पाए। ऐसा आप अपने बच्चों को माइंडसेट क्यों नहीं करवाते? मैं ज़्यादातर यही चीज़ देखता हूँ, बस खाली पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, नौकरी नहीं करना है। सर, अगर सब कोई नौकरी करेंगे तो नौकरी कहाँ बच जाएगी? आज हमारे देश के अंदर में बेरोज़गारी 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 नहीं है सर, नौकरी की कमी नहीं है, नौकर ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर नौकर ज़्यादा हो गए, नौकरी की कमी नहीं है। इसीलिए मैं आपको यही चीज़ सलाह दूंगा, आप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, अपने बच्चों का माइंडसेट को ठीक करें, अपने बच्चों को हरदम एक ही बात समझाएं कि हम दुनिया का भला कैसे कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर समझ में ना आए कॉल करिए, पूछिए मेरा भी बच्चा कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर आप बच्चे हैं तो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाइए, अगर आप मम्मी पापा हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए और फ़ोन करके अभी के अभी पूछिए कि मेरा बच्चा कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा, मेरा बच्चा एक बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर उनको करिएगा जिनके बच्चे सारा का सारा दिन फ़ोन के अंदर में बिजी रहते हैं, उनको ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कोई वीडियो चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बर्निंग प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट्स करिए आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।